हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रद्धा और आज जो है मैं आपके साथ मेरा एक मेकअप वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेकअप वीडियो में जो है मैं स्पेशली आपको जो चीज़ दिखाने वाली हूँ वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। जैसे रिसेंटली जो है मैंने एक मार्स का वंडर पाउडर परचेस किया है, तो इसे ही यूज़ करके आज मैं मेकअप करने वाली हूँ और देखते हैं कैसा है। मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी न्यूट्रोजिना का। तो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है और इसे जस्ट मैं 2 मिनट रहने दूँगी क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से अंदर। तो तब तक इसका रिव्यू डिटेल्स देती हूँ। तो ये ऐसा है, इस टाइप का है मार्स का वंडर पाउडर। तो ये जो है ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिला है पहली बात तो, और इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और ये बोलते हैं कि ये मैक का ड्यूब्स है, मतलब उसकी जैसे फिनिशिंग है इसकी। और जो है इसमें ना आपको 2 केक मिलते हैं, लाइक एक आप देख सकते हो, एक ये है एंड एक ये है। तो काफ़ी चलेगा ये पाउडर। इन दोनों का कलर भी सेम ही है, थोड़ा सा आई डोंट नो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे और ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप का लग रहा है, पता नहीं। तो ये 2 पाउडर है इसमें, साथ में इसमें आपको एक लूफा भी मिल जाएगा। और इसमें जो है 4 या 3 शेड्स है और मैंने जो शेड लिया है वो है, मेरा जो शेड है वो 01 है। इसमें आपको और 2-3 शेड मिल जाएंगे। तो अभी इसे लगा के देखते हैं। जैसे मैंने बताया मेरा मॉइस्चराइज़र जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है, तो लूफा से पहले मैं ट्राई करती हूँ। तो ये ले लिया और थोड़ा सा कम कर दिया है इसको, जस्ट प्रेस करके इसे अप्लाई करूँगी। मैं आपको इस वन साइड में अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चलेगा कि कैसा लग रहा है ये। इसकी फिनिशिंग तो जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी लाइट वेट लग रहा है ये। अभी आप देख सकते हो मैंने वन साइड में अप्लाई कर लिया है और ये साइड में अप्लाई नहीं किया है। और आप कलर देख सकते हो, कलर जो है परफेक्ट मैच है, लाइक काफ़ी ऐसा वाइट नहीं लग रहा है। और इसके जो फिनिशिंग है काफ़ी स्मूथ है, सॉफ्ट है, पाउडर जो है ऐसा काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है स्किन में और ऐसा मैट फिनिश देता है। लाइक मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगाया मैंने तो कैसा, मेरी स्किन ड्राई नहीं लग रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कुछ टाइप का है ये। मैं दूसरे साइड में अप्लाई करके दिखाती हूँ और मैं ब्रश यूज़ करूँगी क्योंकि लूफा मुझे उतना कंफर्टेबल लगता नहीं है। तो ये मैं ब्रश यूज़ करके अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने पूरे फेस पे अभी इस पाउडर को अप्लाई कर लिया है। रेस्ट ऑफ द मेकअप कर लेते हैं कंप्लीट और मिलती हूँ थोड़ी देर में। मेरा मेकअप हो चुका है और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मेकअप किया है, मेकअप हुआ है। और यूज़ किया था मैंने ये मार्स का वंडर पाउडर जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आपको परचेस करना है तो आप डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है एंड डार्क सर्कल थोड़े से है तो वो अच्छे से कवर हो जाते हैं। और आप चाहे तो इसे फाउंडेशन और बेबी क्रीम या कंसीलर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी स्मूथ और फाइन सा टेक्सचर है इसका, ऐसा काफ़ी ऐसा हेवी नहीं लगता, ऐसा पाउडरी नहीं, बहुत अच्छा फिनिश है, लाइट वेट फिनिश है और काफ़ी अच्छे से जो है मेकअप हो जाता है। और इसमें आपको 3-4 शेड मिल जाएंगे। इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, इधर मेरा आज का वीडियो, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।